स्वागत है दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम डेट के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर देखें तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम डेट मतलब कब तक हो सकता है और प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड कब तक रिलीज़ हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट वीक में डाउटफुल है कि 6-7 जो चल रहा है ये तारीख को आपका हो सकता है प्रीलिम्स। तो हाँ, हो सकता है। अगर 6-7 को होता है तो कब तक आने का चांसेस है, तो आप समझ लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि एसबीआई हमेशा एक फेस्टिवल टाइम हो, एंड ऑफ द ईयर हो या एंड ऑफ द मंथ हो, कुछ भी ये टाइम में अक्सर रिलीज़ करती है। तो अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से अगर 6-7 को आपका एग्ज़ाम होना है तो 23 से 24 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों देखते हैं, अभी नेक्स्ट वीक को हो सके तो आपका आ जाए एडमिट कार्ड। ठीक है, आज संडे है, मतलब ये वीक को मतलब कोई भी दिन आ सकता है आपका एडमिट कार्ड, लेकिन 24 तारीख से पहले आने का चांसेस है। अगर 6-7 तारीख को अगर नहीं हुआ, 24 तारीख से पहले नहीं आया, तो समझ लेना सेकेंड वीक आपका सेकेंड वीक चला जाएगा प्रीलिम्स। ठीक है, तो एक ही बात मैं कहता हूँ, एक बात याद रखना ध्यान से, आप ये मत सोचना एडमिट कार्ड का चक्कर आप छोड़ दो, एकदम डेडिकेशन से छोड़ दो एडमिट कार्ड का चक्कर, कब आ रहा है नहीं आ रहा है, कब एग्ज़ाम हो रहा है नहीं हो रहा है। आप प्रिपरेशन पे डेडिकेशन से फोकस करो, क्योंकि देखिए आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे कि आएगा आएगा आएगा, अब आ चुका है नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलअप हो चुका है, अब एग्ज़ाम बाकी है। तो प्रिपरेशन डेली का डेली 3 मॉक टेस्ट जैसे भी लगाना प्रीलिम्स का मेरे भाई बहन, 3 मॉक टेस्ट अगर पुराने कैंडिडेट हो तो, नए हो तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना, एक मॉक लगा सकते हो तो लगा लेना एक तो, और मेंस की तैयारी करते चलना, तो ही जाके आपका सिलेक्शन होगा। और स्पेशली मेरे नॉर्थ ईस्ट भाई बहन, याद रखना ये बात मेरी, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं।